हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी गोइंग ऑन केमिकल काइनेटिक्स यूनिट लेक्चर नंबर 11। हियर वी स्टडीड सुडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। इन्हें आभासी एकाणुक या छद्म अभिक्रियाएं कहते हैं। इनका स्टडी करेंगे, डेफिनेशन के माध्यम से इनके क्राइटेरिया को समझेंगे और एग्जाम्पल द्वारा प्रूफ करेंगे कि कब कोई रासायनिक अभिक्रिया आभासी एकाणुक अभिक्रिया के रूप में जानी जाती है या सुडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के रूप में पहचानी जाती है। सिंपली वन वर्ड में डिफाइन करें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि वन हो, परंतु आणविकता एक ना हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं स्यूडो यूनिमोलिकुलर या आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर रिएक्शन की जो ऑर्डर है अर्थात जो कोटि है वह अगर वन होगी तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, लेकिन उसकी जो मॉलिकुलरिटी है वो वन नहीं होगी, डेफर होगी। देन हम इसे निम्न रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। There are several reactions which are first order reaction, अर्थात उनकी कोटि तो वन है। Although in reality they are bi or trimolecular, तो जैसा डिफाइन किया कि ऑर्डर तो वन हो सकता है, वन होगा, लेकिन मॉलिकुलरिटी वन नहीं होगी, तो या तो बाई मॉलिकुलर या ट्राई मॉलिकुलर। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड सुडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, फॉर्मूला C12H22O11 प्लस वॉटर इन एसिडिक मीडियम, इट गिव्स आउट C6H12O6 प्लस C6H12O6। इस रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू रेट कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट करें तो ओनली वन रिएक्टेंट हु पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन फॉर मेकिंग देयर न्यूली प्रोडक्ट्स, देन इट्स ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड बाय वन। बट जब हम इसकी मॉलिकुलरिटी की बात करें तो यहां पर एक अणु सुक्रोज का सिंगल मॉलिक्यूल और एक अणु जल का, तो वन एंड वन ट्विस मॉलिक्यूल्स आर react with one another, so its molecularity of reaction is 2। तो अभिक्रिया की कोटि तो 1 है, यानी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, लेकिन इसकी मॉलिकुलरिटी 2 है, इसलिए इस रिएक्शन को सुडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। सो रिप्रेजेंट करें, रेट इक्वल्स टू dx अपॉन dt equals to k, active mass of main reactant C12H22O11. It is in the order type of reaction, so its order is represented by 1, and the molecularity of reaction equals to 2. Then prove that this reaction is pseudo unimolecular.
सेकेंड एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट फॉर्मूला CH3COOC2H5 प्लस H2O इन एसिडिक मीडियम इट गिव्स आउट एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल CH3COOH प्लस C2H5OH। तो इस तरह से जब एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराते हैं तो ये एसिटिक एसिड और एथेनॉल टू प्रोडक्ट्स को फॉर्मेट करता है। अब यहां रेट ऑफ रिएक्शन रेट इक्वल्स टू dx अपॉन dt इक्वल्स टू k और मेन रिएक्टेंट यहां एथिल एसीटेट है देन CH3COOC2H5 सिंगल रिएक्टेंट के कारण इसकी जो ऑर्डर है वो 1 होगी। बट मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एथिल एसीटेट एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एक्ट इन दिस रिएक्शन सो मॉलिक्यूलैरिटी इक्वल्स टू 2। तो आणविकता तो 2 हो गई लेकिन इसकी कोटि 1 है इसलिए यह अभिक्रिया आभासी एकाणु का अभिक्रिया है। नाउ नेक्स्ट आर्ट नोट्स टेम्परेचर कोफिशियंट तापीय गुणांक इसे हम टेम्परेचर के 2 यूनिट्स के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे डिफाइन करेंगे देन फर्स्ट डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन केल्विन टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इट्स डेफिनेशन इज इट इज द रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट एट टेम्परेचर 308 केल्विन टू द रेट कॉन्स्टेंट एट टेम्परेचर 298 केल्विन। सो अकॉर्डिंग टू डिग्री सेल्सियस कंडीशन वी डिफाइन इट तापीय गुणांक 10 डिग्री सेल्सियस अंतर के 2 भिन्न भिन्न चरणों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। तो बेसिकली यहां जो हाईलाइट करने की टर्म है वह है 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस जैसा यहां भी दिखाई दे रहा था बट ये केल्विन टेम्परेचर में रिप्रेजेंट किया गया था 308 एंड 219 केल्विन पर। तो जो वेग स्थिरांकों के रेशियो है वे उसके बराबर होते हैं। तो एज ए रिलेशनल फार्मूला इसे रिप्रेजेंट करेंगे वेग स्थिरांक का तापीय गुणांक इक्वल्स टू टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक का वैल्यू अपॉन टी डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का वैल्यू। और केल्विन टेम्परेचर के संदर्भ में इस फॉर्मूले को निम्न रूप में रिप्रेजेंट करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट क्योंकि रेट कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए के सिंबलाइज करेंगे बट टेम्परेचर की भी यूनिट यहां के लिख रहे हैं क्योंकि केल्विन टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एट 308 अंडर ब्रैकेट 298 प्लस 10 केल्विन टेम्परेचर अपॉन रेट कांस्टेंट के एट 298 केल्विन टेम्परेचर। सो नोट पॉइंट्स फॉर यू तापी गुणांक का वैल्यू अर्थात ताप गुणांक का मान 2 और 3 के मध्य में प्राप्त होता है उसके संदर्भ में कुछ कंडीशंस द टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट वेरीज बिटवीन 2 एंड 3। रिमार्क करें इस बात को 2 और 3 के मध्य में ही यह वैल्यू प्राप्त होता है। इट मींस दैट द रिएक्शन रेट बिकम्स डबल फॉर 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट दस फॉर अ रिएक्शन हुज टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 2 इफ द रिएक्शन टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम
25 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस, इतना इंक्रीज करे टेम्परेचर में. देन रेट इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2 की पावर 4. इस फैक्टर के आधार पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, अर्थात यह 16 टाइम इंक्रीज करेगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि आपको टाइम पीरियड का इंक्रीमेंट दिखाएंगे और उसके आधार पर पूछेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन का इंक्रीमेंट क्या हुआ. देन आपके लिए ये ट्रिक वर्क में लाएंगे और नियर अबाउट इस कंडीशन से 16 टाइम इंक्रीजमेंट रेट में होगा. तो अगले टर्न में जाने से पहले आज के क्वेश्चंस हैं ये, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Now a question. For a reaction R to P, concentration of reactant changes from 0.06 m to 0.02 m in 20 minutes. Calculate the average rate. So according to question language, अभिक्रिया R to P अर्थात रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वह 0.06 m से परिवर्तित होकर 0.02 m 20 मिनट्स में हो जाता है. तो इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग यानी एवरेज रेट का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन में एवरेज रेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यूज करेंगे. एवरेज रेट इक्वल्स टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल, अर्थात अभिक्रिया का औसत वेग इक्वल्स टू अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समयांतराल. तो यहां अगर हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन की नोट करें तो कह रहा है कि अभिकारक पदार्थों की सांद्रता में परिवर्तन क्या चेंज आ रहा है. तो पहले 0.06 m थी और परिवर्तित होकर के यह हो गई. तो 0.06 m to 0.02 m, ये तो हो गई इसकी कंसेंट्रेशन अर्थात सांद्रता. और सेकेंडरी केस में टाइम इंटरवल आपको दिया हुआ है t = 20 minutes. देन हम इस वैल्यू का फॉर्मूले में यूज करें और इसका एवरेज रेट फाइंड आउट कर लें. कंसेंट्रेशन चेंज रिप्रेजेंट करेंगे 0.06 m माइनस 0.02 m अपॉन टाइम इंटरवल का वैल्यू हो जाएगा 20 माइनस 0 या डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर ले 20. देन आफ्टर कैलकुलेशन इसका आंसर मिलेगा 0.002 और इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे मोल लीटर इनवर्स एंड मिनट इनवर्स, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मिनट्स दिया था और हम लोगों ने स्टडी किया था इस केस में कि जिस तरह का समय अंतराल दिया होगा यूनिट में उसी को हम व्यक्त करेंगे उसकी इकाई के रूप में. तो मिनट है तो मिनट में,
सेकेंड है तो सेकेंड में, आवर्स है तो आवर्स में, इसलिए हमें फाइनली आंसर यहां से मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स में प्राप्त हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज 69.3 सेकेंड, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल 69.3 सेकेंड है, तो इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का क्लू बता दें कि पहले ही आपको इसने हाईलाइट किया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो पता चला कि जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि हमने कहा था कि ऑर्डर बेस पर अगर हम रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग टी हाफ के फॉर्मूले का यूज करेंगे। देन इस स्टैंडर्ड में आपके एग्जामिनेशन में केवल फर्स्ट ऑर्डर के ही क्वेश्चंस को ज्यादातर पूछा गया है, तो आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैल्यू डिनोट करें, टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं हाफ लाइफ को, अर्ध आयु को, जिसका वैल्यू दिया है आपको 69.3 सेकेंड। और यहां पर कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट, इसे रिप्रेजेंट करते हैं के से, के इक्वल्स टू हाउ मच। देन फॉर्मूला ऑफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ इज टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला या व्यंजक सूत्र निम्न है। अब यहां इस क्वेश्चन में आपको रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो रेट कांस्टेंट के लिए इसी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे, के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ से, और यहां पर टी हाफ का वैल्यू पुट अप करेंगे, के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ का वैल्यू दिया है 69.3 सेकेंड। देन इसे कैलकुलेट करेंगे, सो के का वैल्यू मिलेगा 10^-2 सेकेंड इनवर्स, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो टी हाफ टाइम पीरियड दिया हुआ है वह सेकेंड में दिया है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम टी हाफ की हेल्प से किसी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं।